अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो हमारी नई वीडियो में खुश आमदीद। और आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आने लग गई है इसी की। तो आज जो सा है 27 रमज़ान मुबारक है, और माशाल्लाह से रमज़ान गुजर गया तकरीबन सारा ही, आखिरी अशरा चल रहा है, तकरीबन 2 या 3 रोज़े रह गए हैं। तो अभी का सीन ये है कि मैं जा रहा हूँ चेहरी की ट्यूनिंग ऑयल वगैरह चेंज करवाने के लिए। तो गाड़ी हमारी तकरीबन 5,331 किलोमीटर चल गई है, तो आज इसकी डीलरशिप चलते हैं, इसका ऑयल वगैरह चेंज करवाते हैं। और इसके कुछ थोड़े से फॉल्ट थे, इसके ऊपर एरर काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। तो ये जो सा है ऑयल चेंज होने के बाद, ये सारे हमारे जो है ना चेक लाइट्स वगैरह ये ऑफ हो जाएंगे। साइड मिरर हमारा इशू कर रहा है, इसका फॉल्ट ये कि इस तरह राइट साइड पर करें तो ये देखें, अब लेफ्ट पर कर रहे हैं तो ये लेफ़्ट पे नहीं जा रहा, राइट पे करने तो राइट पे नहीं जा रहा, सिर्फ ऊपर और नीचे हो रहा है, ठीक है। वो भी काफ़ी मतलब जो सा है ना ग्लिच की वजह से बहुत मुश्किल आ रही है, ऊपर भी मतलब स्पीडली नहीं हो रहा, लेकिन उस साइड वाला थोड़ा सा वर्किंग के अंदर है, ये वाला नहीं हो रहा। तो इसको भी चेक करवाएंगे आज, और बाकी इसको कंप्यूटर शंप्यूटर लगवाएंगे। दोस्तों गाड़ी की हालत आप चेक कर सकते हैं, बारिश और मिट्टी की वजह से बहुत खस्ता है। और ये रही आपकी ग्रैंडी, ठीक है। तो इसको कल मैंने वॉश करवाया था, लेकिन रात को फिर बारिश हो गई। ऐसी मौसम चल रहे हैं, ऐसी सीन चल रहा है सारा। तो बाकी इसकी भी अब नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियोस आएंगी। तो आ गए अब, और गाड़ी अपने पीछे लग रही है, और ऑयल वगैरह चेंज करवाते हैं अभी इसका, और बाकी आपको इसके टोटल कॉस्ट भी बताते हैं कि क्या कॉस्ट आती है इसकी। तो ये देख सकते हैं आप, ये चेक करें चेरी का क्या हाल हो चुका है, सारा ही फ्रंट उड़ गया होगा। दोस्तों ये है इसका इंजन बे, और सारा कम्प्लीटली पैक है। अभी ये खोलेंगे और इसका सारा ऑयल ड्रेन करेंगे और ऑयल चेंज भी करेंगे। दोस्तों ये वाला ऑयल है इसका, ये जो इसमें डलता है 5W30 जस्टर J600 इंजन ऑयल 4 लीटर। तो अभी देखते हैं, इसमें मेरा ख्याल है 4 लीटर ही डलेगा। तो दोस्तों अभी हमने एक चीज़ डायग्नोस की है कि इसका आप देखें कि इसका कैम्बर ना अंदर को चले गया, ठीक है। ये देखें आप, व्हील अंदर वाली साइड पे है, और इस गाड़ी का देखें तो बिल्कुल सीधा। एसी का फिल्टर, और ये है एयर फिल्टर हमारा, ये वाला चल सकता है, लेकिन मुझे इसका लग रहा है कि ये नहीं चलेगा। दोस्तों अभी ऑयल इसका ड्रेन हो गया, और अब इसके अंदर नया ऑयल डालेगा और नया फिल्टर लगेगा ऑयल वाला। तो ये है ऑयल फिल्टर हमारा, खोलो दो। जी ओरिजिनल चेरी का। दोस्तों ये है हमारा बिल, ऑयल हमारा 4.5 लीटर डला है, और 2200 रुपये पर लीटर है, तो 9,900 रुपये इसका। और ऑयल फिल्टर जो सा है ये 2450 का है, तो टोटल हमारा बिल जो सा है 12,350 का बना। فإني علمت ب
بأنك نجوى ولبس. ये तो दोस्तों अभी जौन सा है ऑयल वगैरह हमने चेंज करवा लिया था गाड़ी का और घर वापस आके इफ्तारी की है. सिर्फ इफ्तारी का ही टाइम था तो अभी जो कैम्बर आउट का इशू था वो भी रिजोल्व करवाते हैं. राजी मोटर्स पे जा रहे हैं, वहाँ पे जाके तो उसका जो पिछला कैम्बर आउट है ना हमारा, वो कैम्बर ठीक करवाते हैं और इसकी अलाइनमेंट भी करवाते हैं. فإني علمت بأنك نجوى. دوستو الائنمنٹ اس کی اب ہو رہی ہے تو وہ دیکھیں آگے وہ الائنمنٹ کر رہے ہیں انکل جی. اس کے علاوہ پیچھے والے بیک جو ویل ہیں اس کا کیمبر سیٹ کریں گے. اس کے بعد پھر جو ان سے دیکھتے ہیں باقی کیا سین ہے. فما لك في الارض درب صحيح إلى الله عدنا وبالله نذنا ليطوى زمان بائس شحيح ليطوى زمان. دوستو الائنمنٹ ہو گئی ہماری کمپلیٹ تو ابھی گاڑی نیچے اترتی ہے اور اس کے ٹیسٹ ڈرائیو لیتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا فرق ہے. جی دوستو گاڑی کی جو سا ہے نا الائنمنٹ اور کیمبر وغیرہ ٹھیک ہو گیا ہے. اب گاڑی کی جو سا ہے نا ویل پہلے سے ہونے لگی تو وہ کرواتے ہیں. باقی گاڑی بالکل اوکے ہو گئی ہے, چلانے میں بالکل سموتھ ہے. دوستو یہ تیسرا ویڈیو اور اس کی بھی 5 اور 10 ہے. لیفٹ سائڈ کی 5 اور رائٹ سائڈ کی 10 تو ابھی اس کو بھی سیٹ کرواتے ہیں. باقی 2 جو ان سے ہو گئے ہیں وہ لگنے جا رہے ہیں اور یہ آخری رہ گیا. دوستو گاڑی اپنی اوکے ہو گئی ہے اور وہ سامنے ہمارا نسخہ تیار ہو رہا ہے جو کہ ابھی پڑا, ابھی بہت بڑا ٹیکہ لگنے والا ہے تو ابھی اس ٹیکے کا انتظار کرتے ہیں اور ٹیکا آپ کو دکھاتے ہیں کتنا لگا ہے. چاروں ویلوں کی الائنمنٹ بیلنسنگ پلس کیمبر سارا کچھ ہم نے کروا لیا گاڑی کا. تو ابھی بس تھوڑا سا میں نے کہا اسٹیئرنگ کا ایشو ہے, تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا لیفٹ کی طرف ہے تو وہ بھی ابھی سیٹ کرواتے ہیں. باقی آج کھپ چکے ہیں پورے صحیح طریقے سے. سر میں اس ٹائم پہ بڑی شدید درد ہو رہی ہے. افطاری میں بھی آپ کا بھائی صرف پانی پی گیا ہے کیونکہ پیاس تھی اور بھوک نہیں تھی پتہ نہیں کیوں. تو ابھی گھر جا کے انشاءاللہ کھانا کھاتے ہیں اور اپنی ویڈیو کو یہاں پہ کرتے ہیں. اینڈ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی اور پلیز لائک سبسکرائب شیئر کمنٹ اور کیجیے. اور یہ نسخہ بھی آ گیا ہمارا 3600 روپئے کا نسخہ آ گیا ہمارے پاس. تو ابھی یہ پے کرتے ہیں اور پھر چلتے ہیں.